माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। आई लव यू वेरी मच। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी, मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तो जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक है? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है, अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था हा? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए, तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव, मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी हा? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती तुम, इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती। लेकिन मुझे जीना होगा दे, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव, तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हमें दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा। तो फिर मैं चलूं थे? मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। सब इसका खेल है माँ, सब इसकी वजह से है। देर हो गई है आज। देव, तुम
तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव, क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल, फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ, मैं झूठ बोल रहा, तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा, मैं क्या किसी को छोड़ूंगा। वही मुझे छोड़ गई मां। और मां, जब मैंने उसे कहा कि तूने मां से भी एक वादा किया था, मैं मां से क्या कहूंगा? तो जानती हो उस बेवफा ने क्या कहा? तो जानती हो उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा, मां समझ जाएगी। तू समझ सकती है मां? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है मां? मां, मां, कमाल है, बब्बन मियां गाड़ियां लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम, कि आपने ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है? यू शुड हैव किक्ड हिम आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। अरे नौकरों की कमी है दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियां घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। ये। जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन में। भाईजान, खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बब्बन मियां, मुबारक हो। Stay away you idiot. Idiot? हाय 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 हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं, गालियां भी बोलते हैं, तो लगता है जैसे मोती बरसा रहे हैं। बब्बन, अम्मा मेरी तौबा, बहुत बोलने लगे हो तुम। इतना इंतजार कराया इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम जी माँ, तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आ, हम BMW में चलते। या सो ब्लडी एलिस, आइए 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 दुल्हन बेगम। क्या हुआ, अरे कहाँ खो गई आप? आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना। भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं,
मगर भाई हमें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। माँ का हुकुम भगवान के हुकुम के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुकुम इन्हीं का चलेगा, क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुकुम आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मारियम। यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। श्यो मैम, कम 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 अप दे, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, यू विल श्योरली लव इट। लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओ, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए, 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है? ये सिर्फ बातें नहीं है, और देखिए मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा, हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम रिलैक्स, आ जाओ।